हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और ये भी मैं शॉप से निकल के यहाँ पे आई हूँ। थोड़ा सा मुझे ना वो कड़ी पत्ता के लिए कुंडी लेना है, तो वही कुंडी ले रही हूँ। जैसे वो आप लोग गमला या क्या बोलते, पता नहीं हम लोग कुंडी बोलते, तो ये देखिए मैंने दो बड़े बड़े कुंडी लिए हैं, तो इसे मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर ना बर्तन मिट्टी के जो खाना वगैरह बनाते हैं ना, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे थे। इन्होंने नया शॉप खोला था, हमारे सोसाइटी के आसपास ही है। तो ये दो कुंडी मैंने लिया है क्योंकि एक में मुझे कड़ी पत्ता लगाना है और एक में मुझे ना मिर्ची लगाना है। मिर्ची का जो पौधा अभी छोटा हो गया, छोटे गमले में लगा के रखा है मैंने, बट मिर्ची का पौधा थोड़ा बड़ा होता है, इसके लिए मैंने ये बड़ी कुंडी ले ली है। और ये लेके अभी मैं निकल जाऊँगी। और उसके बाद से यहाँ पे रश भी बहुत था, दिवाली का सब शॉपिंग कर रहे थे, जैसे वो तुलसी लगाने के लिए और ये सब। तो ये देखिए यहाँ पे सब झाड़ है और बहुत ही अच्छा अच्छा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट मैंने उधर वॉइस ओवर नहीं किया, मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि सब लोग थे और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इसके लिए वैसे तो सब लोग देख रहे थे, मैं शूट कर रही थी। तो चलिए ये सब ले लेती हूँ और उसके बाद से मैं घर पे मिलती हूँ आपको। और यहाँ पे घर आ गई हूँ। तो ये मेरा एक पार्सल आया हुआ था अमेज़ॉन से, जब मैं शॉप पे थी। तो एक्चुअली मैंने ना इसमें वो ड्रॉवर्स के लाइनर जो रहते हैं ना, जो नीचे बिछाने के लिए, वो मैंने मंगाया है। और सीरियसली गाइस, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही थिक है। एक रोल का जो मीटर है काफ़ी ज़्यादा है अच्छा, और मुझे डिज़ाइन भी बहुत पसंद आई। एक्चुअली जो मैं क्रॉकरी वगैरह रखने वाली हूँ ना, तो उसके लिए। और एक सरप्राइज़ है, किसी ने मुझे एक गिफ्ट भेजा है, मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगी कि किसने भेजा है। सिर्फ मैं बॉक्स दिखाऊँगी, अनबॉक्सिंग मैं नेक्स्ट डे जो कल जाएगी वीडियो उसमें शेयर करूँगी। ठीक है, मिलती हूँ मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं बनाने लगी हूँ लंच, और लंच में मैंने एक साइड दाल रख दिया है। तो आज मैं बना रही हूँ जो गवार और पटाटे की सब्ज़ी, भुजिया सब्ज़ी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जब दाल चावल रोटी रहता है तो फिर भुजिया वगैरह अच्छा लगता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, कढ़ाई हो रहा है। और वीडियो थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया है, आज वीडियो लगता है थोड़ी छोटी ही जाएगी क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं इसके लिए। तो यहाँ पे चलिए सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं उसके बाद से। और एक साइड ना, और इसमें मैंने राई का तेल डाल दिया है और इसे पूरा अच्छे से गर्म करूँगी। और इसमें ना मैं लहसुन और मिर्ची का तड़का लगाऊँगी, इसमें मैं जीरा वगैरह नहीं डालती। नॉर्मली तो हम लोग गवार में आलू भी नहीं डालते, बट मुझे बच्चों के लिए डालना पड़ता है क्योंकि वो लोग गवार नहीं खाते। तो यहाँ पे देखिए साइड में हॉर्न भी बज रहा है, पता नहीं कौन से म्यूज़िक का हॉर्न है, खिड़की बंद है तो भी इतनी आवाज़ आती है। तो यहाँ पे हरी मिर्ची डाल दूँगी और ये सब वॉश करके मैंने ड्राई करके ले लिया है। अगर ड्राई नहीं करूँगी ना तो बहुत ही ज़्यादा ना तेल में से ऐसे उड़ने लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ लहसुन मिर्ची डाल रही हूँ, जीरा वगैरह आपको डालना है अगर आप खाते हैं गवार में तो आप डाल दीजिए, और राई वगैरह भी डाल दीजिए। तो यहाँ पे जब तक ये हो रहा है तब तक एक साइड ना साफ़ सफ़ाई भी चालू है। मैं आपको दिखाऊंगी कि राधा आज के किचन का जो ड्रॉवर वगैरह है वो सब साफ़ कर रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ड्रॉवर की साफ़ सफ़ाई हुई नहीं थी, तो इसके लिए। तो अभी इस समय में भी और सब साफ़ सफ़ाई चालू है। यहाँ पे मैं गवार को डाल देती हूँ। गवार को मैंने बहुत बारीक बारीक कट किया है, आपको जैसे चाहिए वैसे कट कर सकते हो। और बहुत सिंपल सब्ज़ी है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, मैं ज़्यादा मसालों का भी इस्तेमाल नहीं करने वाली। जो मैंने गर्म मसाला पीसा था उसी में का थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी। तो यहाँ पर गवार डाल के अच्छे से भून के लूँगी। मतलब ये लोखन की कढ़ाई में मैं भुजिया वगैरह बनाती हूँ ना, तो ये लोखन की कढ़ाई में काफ़ी अच्छा बनता है और स्टिक भी नहीं होता और जलता भी नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाता है। और स्लो फ्लेम पर ना सब बन जाता है। तो यहाँ पर भून के हो गया है थोड़ा सा, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। और उसके बाद से बटाटा डाल के ले रही हूँ, और बटाटा भी और थोड़ा सा भुन जाएगा तो हल्दी नमक वगैरह डाल के टमाटर डाल दूँगी। तो यहाँ पे इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है, अभी थोड़ा सा कवर करूँगी। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे हल्दी नमक डाल रही हूँ, और कुछ नहीं है सब्ज़ी में, खाली लहसुन मिर्ची भाजी और हल्दी नमक और टमाटर, और ये थोड़ा सा गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। इसका अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि मैंने इस मसाले को कैसे बनाया है। यानी हर सब्ज़ी में आप थोड़ा थोड़ा डाल दोगे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है मिक्स करके। और लोखन की कढ़ाई में ना कभी भी गैस फास्ट करके आपको कुक नहीं करना रहता, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जलने लगता है। हमेशा उसका टेम्परेचर स्लो रहेगा ना, कढ़ाई बहुत जल्दी गर्म होती है और इवन गर्म रहती है। टेंशन मतलब ऐसा ये नहीं कि कच्चा पक्का पके, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक टमाटर भी डाल देती हूँ, और आपको दो चाहिए तो दो डाल देना, लेकिन मेरे पास तो अभी फ़िलहाल एक ही था। सब्ज़ियों में टमाटर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी इसको ढक दूँगी चला के अच्छे से, तो ये हो जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी मैडम क्या कर रही है। और ये देखो राधा मैडम क्या कर रही है। राधा
ऊपर चढ़ के साफ सफाई चालू है इसका सब ड्रॉअर के। अभी तो अंदर के ये एक साइड का हुआ है, एक साइड का बाकी है, तो जब भी पूरा हो सेट हो जाएगा तो किचन टूर मैं करा दूँगी। अब लेकिन सब साफ़ सफाई चालू है और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी हो चुकी है अच्छी खासी। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में बताना, और बहुत ही अच्छी लगती है चपाती वगैरह के साथ में। तो चलिए मिलती हूँ आपको बाद में। और यहाँ पे पार्सल ला के रखा है, इसमें से आप बताइए कि मुझे जो गिफ्ट आया है वो कौन सा बॉक्स है, और यहाँ पे जो बॉक्स खाली हो चुके हैं वो मैंने रखे हैं। तो सारे पार्सल्स यहाँ पे रखे हैं, अनबॉक्सिंग बाद में शेयर करूँगी। हेलो, फाइनली फ्री हो गई, फ्री हो गई, अभी रेडी होना है। मैंने लिपस्टिक और बिंदी लगा लिया है, सिर्फ ड्रेस चेंज करना है और बाल बनाने हैं। और कैसी लगी रेसिपी गवार की प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और फूड मोड पे एक वीडियो अपलोड हो चुका है तो देख लेना। और एक सरप्राइज़ था मेरे आप लोग के लिए, जो पार्सल मैंने दिखाया था उसमें से जो चार पार्सल है उसमें से एक पार्सल मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है, और मैं उनका नाम नहीं बता सकती, वो यहाँ के नहीं यूके के हैं, मतलब लेडी है, मेल कोई नहीं है। वो मुझे कब से फॉलो कर रहे हैं, जब मेरी जब लॉकडाउन में मैंने कुछ एक वीडियो अपलोड की थी लॉकडाउन में काम का और ये सब का, तो उनको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने मेरे सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। और उन्होंने बहुत बार मुझे बोला कि सीमा आप अपना एड्रेस दो चाहे कुछ दो, मैं आपको गिफ्ट भेजना चाहती हूँ ऐसा वैसा। तो मैंने मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मैंने बोला नहीं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वेस्ट थी कुछ दिनों से कि प्लीज़ मुझे आपको कुछ गिफ्ट करना है, कुछ गिफ्ट करना है। और मैंने बीच में बात भी की थी कि मुझे अपने बर्तन वगैरह सब चेंज करने हैं, तो उन्होंने सोचा कि फिर उन्होंने मुझे बोला कि जब आप अपने बर्तन चेंज कर रहे हो तो उसमें से एक सेट मैं आपको देती हूँ। तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि क्या भेजा, बट मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या कलेक्शन भेजा है क्या नहीं है, मुझे भी नहीं पता है। तो उसकी जो अनबॉक्सिंग है मैं कल की वीडियो में डालूंगी। मेरा लेने का कैसा मतलब, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी से कुछ भी लेना, बट बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वेस्ट थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बहुत बार मेरी हेल्प करने की सोची लेकिन मैं ही एग्री नहीं हुई, क्योंकि मुझे एकदम बिल्कुल ऐसा अजीब सा फील हो रहा था। बट मैंने बोला चलो जाने दो, उनका मान रखने के लिए मैंने उनको अपना एड्रेस दिया और उन्होंने खुद ही सिलेक्ट करके उन्होंने मुझे सामान भेजा है, और उसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट होगा जो सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है, अदरवाइज़ जो भी पार्सल्स हैं मैं अपने ही पैसे से मंगाती हूँ, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे बताने को भी, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बता सकती, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया, क्योंकि यूट्यूबर्स को ऐसे अलाउड भी नहीं होता कि हम किसी का नाम ऐसे करें। उनका कमेंट डेली मेरे बॉक्स में रहता है, डेली मेरे बॉक्स में रहता है, और डेली मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे भी है वो, क्योंकि जब मैंने दिया था तो मेरी फ़ोन पे भी बात हुई थी, तो वो व्हाट्सएप पे भी है। तो डेली उनका गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, डेली मेरे से बात करते हैं कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरी वीडियो का उनको हमेशा इंतज़ार रहता है। तो कैसे मैं दिखाऊंगी, अभी तो इतने सारे पार्सल से आप देख सकते हो, अभी और भी पार्सल से। हाँ, और बहुत लोग ये कमेंट आ रहे हैं ईटिंग चैनल पे क्यों नहीं जा रहा है वीडियो, तो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा जो न्यू पार्सल आने वाला है कुछ ऑफ़र वाला है, तो वो आपको बताना है, मैंने वो मंगाया है कि ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो अभी वो पार्सल दो दिन में मुझे रिसीव हो जाएगा और उसके वैसे फिर मैं अनबॉक्सिंग और दोनों शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, बहुत छोटा है तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इसके बीच में मैंने 20-30 मिनट की वीडियो अपलोड की थी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ बाद। और आप लोग सोचेंगे कि उनको मेरा नंबर कैसे मिला, तो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी रहती है, तो उन्होंने मुझे मेल किया था। तो कैसा लगा, मुझे भी ना एकदम अजीब लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैंने किसी से ऐसा गिफ्ट लिया है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये चीज़ मैंने मेरे घर में भी नहीं बताया है, अभी वीडियो के थ्रू उनको भी पता चल जाएगा। तो चलिए, क्योंकि मैं हमेशा सामान खरीदती रहती हूँ, उनको ऐसा लगा कि मतलब मैंने मेरे से, बट नहीं, एक अच्छा खासा अमाउंट से उन्होंने मुझे भेजा है। और उनको बहुत टाइम से, मतलब लॉकडाउन से ही नहीं, लॉकडाउन में उन्होंने मुझे मेल किया, लेकिन उन्होंने ना जब मेरा घर, जब मैं शिफ्ट हुई थी ना यहाँ पे, तो एक बार उनका और भी मेल आया था मुझे जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, फिर उस बीच में उनका कोई मेल वगैरह मुझे आया नहीं। और घर में मैं शिफ्ट हुई तो उनको खाली इस पर मुझे मेरे इसका कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का जो ब्लॉगिंग वाला है, तब मेरे पास ये तीनों चैनल नहीं थे, तो ब्लॉगिंग वाला पे ब्लॉगिंग पे उन्होंने बोला था कि आपका घर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, तभी भी मैंने उनको ना बोला था। लेकिन मुझे कंटिन्यू उन्होंने फॉलो लॉकडाउन के बाद किया, ऐसे वीडियो तो देखते हैं बट ये सब उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं। तो फिर वो यहाँ के नहीं लेकिन यूके के है, इसके लिए मैं बोला चलो जाने दो, इनका मान रखने के लिए मैं ले लेती हूँ, और कोई बात नहीं, मैं आपको शेयर करूँगी कि क्या है, ठीक है।
तो चलो, वैसे तो थोड़ा तो मैंने हिंट दे ही दिया है कि क्या है, तो इसके लिए और मैं छुपाना भी नहीं चाहती थी इसके लिए, क्योंकि यूट्यूब से मैं सब आप लोगों को सब शेयर करती हूँ, आप लोग एक फैमिली की तरह हो तो मुझे सब चीज़ें बताना, जो मैं बाय करती हूँ वो भी बता देती हूँ, लिंक भी दे देती हूँ, और जो भेजेंगे वो ये, लेकिन मेरा फर्स्ट है किसी ने मुझे भेजा है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गिफ्ट देखने के बाद बताना कैसे लगा, उनके लिए प्रे करना कि उनको एक्चुअली बेबी नहीं है तो उनको बेबी हो जाए, आप लोग प्रे करना, ठीक है। वो एक्चुअली सिस्टर के जैसे ही, मुझे बहन ही बोलते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली बेबी नहीं है तो उनको प्रे करना, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो भी है दिल से उनके लिए प्रे करना कि उनको बेबी हो जाए, आप सब कुछ है उनके पास, बस बच्चे नहीं हैं, यही प्रॉब्लम है। तो उन्होंने शेयर किया था, काफ़ी टाइम वो रोए भी, तो मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ बाद में, क्योंकि अभी जाना है शॉप पे और अभी बज रहे 12:30। लेकिन अरे, मैं तो ये भूल ही गई ये खाने के लिए, मैं भूल गई, एक्साइटमेंट था, थोड़ा रोना भी आ रहा था क्योंकि उनको बच्चे नहीं है इसके लिए। अभी धीरे धीरे ना उसका टेस्ट अच्छा हो रहा, बस ठीक तो हो ही रहा है, जाने दो, बारिश की वजह से ऐसा आता है। पाँच मिनट की यही हो गई, तो चलिए अब मैं रेडी होती हूँ, फटाफट निकलती हूँ, और कल मैं अनबॉक्सिंग शेयर कर दूँगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।